पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। सीबीआई ने दोनों के खिलाफ दो अलग अलग मामलों में जांच भी शुरू कर दी है। दरअसल सिसोदिया पर टॉक टू एके कैंपेन में सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप है। दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग की शिकायत पर प्राथमिक जांच दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप है कि दिल्ली सरकार ने टॉक टू एके को बढ़ावा देने के लिए एक जानी मानी जनसंपर्क कंपनी के परामर्शदाता को नियुक्त किया था और इस कार्य के लिए 1.5 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसमें साथ ही कहा गया है कि प्रधान सचिव की आपत्तियों के बावजूद सरकार ने प्रस्ताव को आगे बढ़ाया और सलाहकार ने राशि को खर्च किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने इन आरोपों की जांच और सिसोदिया और अन्य लोगों की इस मामले में कथित भूमिका का पता लगाने के लिए प्राथमिक जांच दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन के खिलाफ भी जांच शुरू की है। सौम्या जैन को मोहल्ला क्लिनिक में बतौर सलाहकार नियुक्त किया गया था। सीबीआई को नियुक्ति में अनियमितता की शिकायत मिली है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सत्येंद्र जैन के ओएसजी के घर पर भी सीबीआई ने छापेमारी की थी। वहीं सीबीआई जांच शुरू होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी जी बिल्कुल पगला गए हैं, देश के पीएम को बस एक यही काम रह गया है, हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। केजरीवाल ने एक अन्य ट्वीट में कहा, मोदी जी इसलिए मैं आपको कायर बोलता हूँ, गोवा और पंजाब में हार रहे हो तो सीबीआई का गेम शुरू कर दिया। तो एक बार फिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गए हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सीबीआई जांच को लेकर केजरीवाल सरकार मोदी सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि क्या सिसोदिया जांच से डर रहे हैं। देखते रहिए डीपी लाइव।